इसराइल और फलस्तीन के बीच जंग कूटनीतिक प्रयासों के बाद भी तेज है। हमास और इसराइल के बीच रॉकेट और हवाई हमले काफी बढ़ गए हैं। इतना ही नहीं, गाजा इसराइल के कुछ शहरों में यहूदी और अरबी मूल के लोगों के बीच दंगे भी शुरू हो गए हैं। इन रॉकेट हमलों में गाजा में मरने वालों की संख्या 83 से भी ज्यादा है, जबकि इसराइल में 5 वर्ष के बच्चे समेत 7 लोगों की मौत हुई। इसराइल ने गाजा पर ताज़ा हवाई हमलों में गतिविधि संचालित फिर एक 6 मंजिला इमारत को ढहा दिया है। आपको बता दें कि इसराइल के कुछ शहरों में 21% आबादी अरबी मूल के लोगों की है, जहां दंगे शुरू हुए हैं। मिश्रित आबादी वाले शहर लॉर्ड में एक अरबी युवक की गोली मारकर हत्या के बाद दंगा भड़क गया। शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया और 150 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लॉर्ड के अलावा यरूशलम, तेल अवीव के उपनगर बेट याम में भी हिंसा भड़क गई है। इन स्थानों पर आगजनी और तोड़फोड़ भी की गई है। पुलिस के मुताबिक पूरे देश में हुए दंगों में 400 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए हैं और इन हमलों में 12 पुलिस अफसर भी घायल हुए। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लॉर्ड और एकर शहर की स्थिति का जायजा लिया है। हमारी आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं श्वेता चौहान, पंजाब केसरी, दिल्ली।